लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के रबाले प्रभाग 19 एवं 20 में सावित्रीबाई फुले महिला मंडल और रत्नाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 155 विधवा और निराधार महिलाओं को राशन किट और दिवाली फराल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ समाज सेविका वत्सलताई कामले के सौजन्य से किया गया था। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी में यह छोटी सी मदद ऐसे निराधार महिलाओं के लिए बड़ी राहत है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि कुछ करने की तमन्ना हो तो रास्ते बन जाते हैं। आज वरिष्ठ समाज सेविका वत्सलताई कामले ने रबाले अंबेडकर नगर इलाके में एक ऐसी ही पहल करते हुए सैकड़ों निराधार और विधवा महिलाओं को दिवाली सौगात के तौर पर राशन किट और दीपावली फराल का वितरण किया। इस कार्यक्रम का आयोजन सावित्रीबाई फुले महिला मंडल और रत्नाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से किया गया था। इस अवसर पर विशेष अतिथि बीजेपी नेता घनश्याम मड़वी ने दिवाली की शुभकामना देते हुए समाज सेविका वत्सलताई कामले के जनसेवक उपक्रमों की सराहना की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। काफ़ी खुशी है कि ये दीपावली का त्यौहार है जो हर इंसान के जीवन में उजाला लाने का काम करता है और ऐसे काम जो गोर गरीब लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का काम, इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। और वत्सलताई कामले जो हमेशा ये सब चीज़ों में आगे रहती है, उनकी जो तड़प है गौर गरीब लोगों की सेवा करने की, वो उनको चैन से बैठने नहीं देती और हर समय कुछ ना कुछ वो समाज के प्रति अपना योगदान देती रहती है। इस दीपावली के अवसर पर सभी इस रबाले परिसर के भाई बहन माता इन सभी को दीपावली की मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ। उनके जीवन में खुशियाँ आए, उनके जीवन का अंधकार दूर होके वो प्रकाशमय जीवन में आए, ऐसी शुभकामना देता हूँ। साथ साथ में श्रीमती वत्सलताई कामले को भी उनके इस काम के लिए और आने वाले समय में उनको आगे जाने के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। वहीं बीते कई वर्षों से लगातार जरूरतमंद नागरिकों और विधवा महिलाओं की सेवा सहायता में जुटी वरिष्ठ समाज सेविका वत्सलताई कामले ने कहा कि प्रभाग 19 और 20 में 182 विधवा महिलाएं हैं, जिनमें से 155 महिलाओं को यह मदद बांटी गई। उन्होंने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों को यह मदद जब तक संभव है तब तक बांटते रहेंगे। आइए सुनाते हैं। मी 20-25 वर्ष झालं झोपडपट्टी मध्ये राहते, मला ह्या गरीब लोकांची आपल्याला जाणीव आहे, त्यामुळे मी ह्या विधवा महिला म्हणत नाही, निराधार महिलांना मी सर्व महिलांना सांगितलं की आपण काही करून दीपाळला रवा मैदा व काय गोड मिठाई मी तुमच्या घरापर्यंत पोहोचू करते। महिलांनी बोलल्या नाही महिला कांबळे मॅडम आपण कार्यक्रम घेऊ आणि त्या कार्यक्रमामध्ये मला सन्मान करा, आम्हाला आम्ही येतो। 182 महिला टोटल आहेत आपल्या विधवा, त्याच्यामध्ये मी आता 155 महिलांना वाटले, तर माझे आणखीन काही 30-35 महिला बाकी आहेत, तर त्यांना उद्या शाळेवर माझी पॅकिंग आहे, उद्या मी त्यांना फोन करून बोलून घेऊन अटक करते। मी जोपर्यंत माझ्या पायात मी उभं राहायची ताकद आहे तोपर्यंत मी माझ्या महिलांना घेऊन चालणार। ज्या महिलांनी मला साथ दिली, माझ्या कार्यकर्त्यांनी साथ दिली, खरोखरच मी त्याच्यातच साक्षीत झाले आणि या झोपडपट्टीमधल्या सर्व महिलांना दीपाळीच्या वतीनं सर्वांना मी हार्दिक शुभेच्छा देते। थँक्यू मॅडम। आजच सहकार्य नाही करते, आज 25वा वर्ष चालू आहे हो, चला मॅडम हे सर्वांना सहकार्य करतात। सिंधुताई सकपाळ जशा आहेत तशा आता येताही आहेत आमच्या मागे उभ्या। निराधार महिलांसाठी आजपर्यंत जगात कोणीच कार्यक्रम केला नाही, पण आज इथे नव्या मुंबईमध्ये राबाडा आंबेडकर नगरमध्ये प्रथमच
वसलताई कांबळे यांनी महिलांसाठी फक्त कार्यक्रम केला, तरी त्यांनी गरीब मुलांसाठी शाळा काढली. त्यांना वारंवार महिन्याला सर्व खाऊ, मुलांना नाही आले शाळेत तरी ते घरी जाऊन देतात. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया.